नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू फेस कैमरा एंड द कॉजेज ऑफ कैमरा शाइनेस। तो इस वीडियो को बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट, टेक डीप ब्रीथ। सबसे पहले अपना फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपनी पहली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपको डीप ब्रीथ लेनी पड़ेगी। आप डीप ब्रीथ लेने से होगा क्या कि आपके जो बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा बढ़ेगा और आप अच्छे से जो कैमरे से बात कर पाओगे, कैमरे के सामने परफॉर्म कर पाओगे। अब हम बात करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। यानी कि जितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो सके अवॉइड करिए। आपके दोस्त बैठे हैं सामने, उनको उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उन सारे नोटिफिकेशन को सबसे पहले ऑफ कीजिए। अब हम बात करते हैं कि कोई अदर नोटिफिकेशन, कोई आवाज़ कर रहा है तो उसको आवाज़ कर लेने दीजिए या उसकी आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आप ऐसी जगह पर आके अपना पहला वीडियो बनाइए जहाँ पर आप आके आप थोड़ा कंफर्टेबल हो सकते हो, आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे कि यार ये मेरे बारे में लोग आपको देख रहे हैं तो क्या आप तो नहीं सोच रहे हो कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। पॉइंट नंबर 3, स्पीक स्लो। यानी कि जब आप अपना पहला वीडियो बना रहे हो तो आपको तेज नहीं बोलना है, आपको जितना हो सके उतना धीरे बोलना है ताकि आप कैमरे के सामने अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, अच्छे कॉन्फिडेंट फ्लुएंटली इफेक्टिवली आप इंगेज कर पाओ। जिस तरह से मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो जब आप पहली अपनी रिकॉर्डिंग करो अपने कैमरे के सामने अपनी परफॉर्मिंग की, तो सबसे पहले आपको धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आराम से बातें करनी है। जैसे कि हेलो, आप कैसे हो, आप क्या करते हो, आप कहाँ जाते हो, आप क्या करते हो, ये ऐसी धीरे धीरे बोलना है। आपको फास्ट नहीं कहना है। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 पे, कंसंट्रेट ऑन कैमरा। यानी कि आपको कैमरे की तरफ कंसंट्रेट करना है, फुल फोकस होना चाहिए आपका। इधर साइड चिड़िया आ रही है, इधर साइड कुत्ता भौंक रहा है, इधर साइड कारें चल रही है या आपको लोग देख रहे हैं, तो आपको किधर भी ध्यान नहीं देना है। आपको आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन आ गया, आप इधर देखने लग गए, आपकी लाइटें बंद हो गई, आप उधर देखने लग गए, हवाएं चल रही है, आप उधर देख रहे हो, कुछ बाहर से आवाज़ आ रही गिरने की तो आप उधर देख रहे हो। तो आपको कंसंट्रेट करना है, आपको इधर उधर नहीं देख रहा। जब आप कैमरे के सामने कैमरे से बात कर रहे हो तो आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको कैमरे के सामने ही देखना है, उसी की तरफ कंसंट्रेट करना है। जितना ज़्यादा हो सके उसी तरफ कंसंट्रेट करना है, कैमरे के सामने। मेरी आँखें अब देख रही है तो कैमरे को देख रही है, आइट साइड क्या हो रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट पे, डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली। इसका मतलब कि आप खुद को इतना ज़्यादा सीरियसली ना ले कि अपना पहला वीडियो बनाने पर आप इतना हेजिटेट हो जाएं, इतना अनकंफर्टेबल लगे आपको कि यार मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ, मेरे लोग अगर मेरा वीडियो देख लेंगे तो ये ना सोचेंगे, ये सोचेंगे या जो कुछ भी हो। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसलिए जितना हो सके आपको इस चीज़ को अपनी माइंड से हटा देना चाहिए कि सीरियस नहीं लेना है। ये वीडियो बेकार बना कोई बात नहीं, डिलीट कर देंगे, नया वीडियो बनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं इस चीज़ में बेहतर होता जाऊंगा, मैं रोज़ करूंगा इस चीज़ को, तो मैं इस चीज़ में बेहतर होता जाऊंगा। तो आपको करना क्या है, आपको सीरियसली नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 6 पे, और वो है प्रैक्टिस। तो जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ, करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर होत निशान। इसका अर्थ है कि जब एक कोमल सी रस्सी, एक नाजुक सी रस्सी कठोर पत्थर पर बार बार आते जाते रहती है तो एक पत्थर पर भी वो निशान बना देती है। उसी प्रकार कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, ये जो दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इफ़ेक्टिवली आपको अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही निखरते चले जाओगे। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी सीखने को मिला होगा। तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
और आपका मेरे हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।